फटाफट नोट करो, फिर आगे बढ़ेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, बात करते हैं चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी में। सबसे पहला टॉपिक होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन अ कंडक्टर। देखो, आपको पता है कि एक कंडक्टर है जिसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, लाखों करोड़ों इलेक्ट्रॉन है। अब ध्यान रखने वाली बात क्या है यहाँ पर, जब हम किसी बैटरी को लगाते हैं तो बैटरी का एक टर्मिनल पॉजिटिव होता है, दूसरा नेगेटिव। तो पॉजिटिव वाला मान लो यहाँ पर पॉजिटिव पहुँच गया, ये नेगेटिव है तो नेगेटिव यहाँ भी पहुँच गया। अब होता क्या है, इस प्लस की वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये प्लस, ऐसा मान लो ये प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड इधर पैदा करेगा ना, तो ये प्लस और क्या करता है, इस इलेक्ट्रॉन को इधर खींचता है। तो इलेक्ट्रॉन पे लगता है फोर्स, तो फोर्स के कारण सारे इलेक्ट्रॉन हल्के हल्के ड्रिफ्ट होते। क्या होते हैं ड्रिफ्ट? ड्रिफ्ट मतलब हल्का 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 ड्रिफ्ट होना, हिंदी में मेरे पास आ नहीं रहा मन में, ड्रिफ्ट समझ गया ना, घिसकना, घिसड़ रहा है वो, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या बोलते हैं? तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन अ कंडक्टर। डेरिवेशन करनी है तो कैसे करेंगे, पहले समझो। देखो, जब इस पे फोर्स लगा था, फोर्स तो फोर्स किसने लगाया था, इलेक्ट्रिक फील्ड ने। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स क्या होता है, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस फोर्स के कारण क्या आ रहा है, एक्सेलरेशन। क्या आ रहा है? एक्सेलरेशन। तो हम बोलेंगे ये जो फोर्स है, फोर्स वो मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर होगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर होगा। यहाँ से मिलेगा एक्सेलरेशन। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो ई है, पर चार्ज हमारा माइनस ई होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का माइनस ई होता है ना चार्ज, तो एक्सेलरेशन आ गया। अब आप, कहानी क्या है, मुझे निकालना है वेलोसिटी। क्या निकालना है? वेलोसिटी। तो इसके लिए स्टेप्स क्या फॉलो करने हैं, आपको लिखना है जो भाई जो वेलोसिटी होता है ना, वो होता है v1 प्लस v2 प्लस v3। और वेलोसिटी का फॉर्मूला बचपन से हम जानते हैं, u प्लस at। v2 का मतलब क्या हो जाएगा? u प्लस at। v3 का मतलब क्या हो जाएगा? u प्लस at। वैसे चलता रहेगा, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, लाखों इलेक्ट्रॉन है, तो हमने बोला un, n मान लिया हमने, कितना मान लिया पार्टिकल n, तो क्या हो जाएगा un प्लस ant। अरे v का फॉर्मूला यूज कर रहा हूं यार, v होता है u प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम। तो हर किसी के लिख रहा हूं, पहले के लिए लिखा, दूसरे के लिए लिखा, सबके लिए लिख रहा हूं। अब कहने वाली बात क्या है, सबके लिए लिख दिया हमने। अब यहां पर ध्यान रखना, एक्सेलरेशन सब में सेम ही रहने वाला है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। क्यों? ये कांस्टेंट होता है, ये भी कांस्टेंट है, मास भी कांस्टेंट, तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, सेम। हर किसी के लिए एक्सेलरेशन सेम होता है, बात खत्म। अच्छा, आप कहानी की शुरुआत करते हैं कि अब तो क्वेश्चन हो गया, कैसे? आप सब U1 को एक साथ ले लो, U1, U2, U3 को एक साथ लिख दो। क्यों? जुड़ा हुआ है ना, जुड़े में आप साथ लिख दो, U1, U2, U3 और UN, सबको साथ में जोड़ दिया आपने। ठीक है भाई, सबको मैंने साथ में जोड़ दिया, ऐसे चल रहा है। वैसे मैंने क्या किया, AT1, AT2 सबको साथ ले लिया, AT1, AT2 सबको साथ ले लिया। अब क्या है कि मैंने A यहाँ से कॉमन लिया, T1 प्लस T2 ऐसे बन गया, ठीक है। कॉमन लेने के बाद A कॉमन आ गया, और ये तो चल ही रहा है। अब मैं एवरेज लेता हूँ, क्या लेता हूँ, एवरेज। अगर मैं इन सबका एवरेज लेता हूँ, एवरेज, तो एवरेज मैंने लिया, तो क्या किया मैंने, सबको N से डिवाइड किया, नंबर ऑफ पार्टिकल से। इसको भी डिवाइड किया, इसको भी डिवाइड किया, चलो भाई ठीक है, डिवाइड कर दिया। आगे क्या, तो ध्यान रखना कि एवरेज वेलोसिटी ऑल द पार्टिकल जीरो होता है, इनिशियल। यू क्या है? इनिशियल। सोचो, जब हमने बैटरी नहीं लगाया था तो क्या कोई करंट था क्या? नहीं, बिना बैटरी लगाए करंट नहीं था, तो हम मानेंगे ओवरऑल ऑन एन एवरेज वेलोसिटी भी क्या था? जीरो। इनिशियल वेलोसिटी क्या था? जीरो। तो इनिशियली यू क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी, तो जीरो आ गया। एवरेज क्या आ गया? जीरो। और यहाँ पर देखो ए है, और इसके नीचे टाइम का एवरेज हो गया, क्या हो गया? तो इसको ऐसे हम अगर बहुत प्रिसाइज ना होके बोले तो ऐसा बोल सकते हैं कि एवरेज टाइम है, एवरेज। इसको ऐसे पढ़ते हैं हम, एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, दो कोलिजन के बीच का टाइम, या इसी को बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। क्या बोलते हैं? रिलैक्सेशन टाइम, या फिर इसी को बोलते हैं टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। तो ध्यान रखना, छोटी छोटी बातें हैं। तो हमने यहाँ से फॉर्मूला क्या ड्राइव किया, हमने फॉर्मूला ड्राइव किया, जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है वह है एक्सेलरेशन टाइम्स टाउ, इसको टाउ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टाउ। तो वीडी का फॉर्मूला क्या, अगर इसको और एक्सप्लोर करूं, तो एक्सेलरेशन को क्या लिख सकता हूं मैं, मैंने अभी बताया था, माइनस ई कैपिटल ई बाई एम इंटू टाउ। तो ये हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला ड्राइव हो गया। एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्लीज़ नोट इट डाउन, बड़ा इजी है, फिर आगे बढ़ेंगे। एग्जाम में आप लेट करके देखो, एग्जाम में कैसे लिखोगे, लेट करके, लेट द वेलोसिटीज आर v1 v2 v2 नाउ टेकिंग एवरेज, नाउ वी नो इनिशियली देर इज नो करेंट, सो एवरेज इनिशियल वेलोसिटी इज जीरो। तो ये सब भाषाएं में लिखना है आपको, ठीक है, एग्जाम में। तो आगे बढ़ते फटाफट। अब है बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, 3 मार्क्स में मान लो रखा हुआ है इस चैप्टर से। अगर टीचर का मूड अच्छा हुआ तो ये डालेगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट। जब भी ड्रिफ्ट होता है तो करंट आता है, इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट हुआ तो करंट आया, तो क्या रिलेशन है उनके बीच में? तो हमें पता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितना ड्रिफ्ट उतना करंट, जितना खिंचाव उतना करंट, ये प्रूफ करना है। तो कुछ बातें ध्यान रख लो, इसको बोलते हैं करंट, ये होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। वीडियो को क्या बोल रहे हैं हम? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये एन होता है, ये ई है, और ये ए है। वीडी का मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एन का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, छोटे से वॉल्यूम में, यूनिट वॉल्यूम में कितना इलेक्ट्रॉन है, इसको बोल रहे हैं हम एन। ए है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर, ई है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इसको ड्राइव कैसे करना है, तो ड्राइव करने के लिए हम मानते हैं कि भाई मान लो यहाँ पर बैटरी लगाया मैंने, क्या लगाया? बैटरी। बैटरी का ये पॉजिटिव सिरा है या नेगेटिव सिरा है? तो पॉजिटिव लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट होंगे, इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? ड्रिफ्ट। तो मैंने मान लिया कि यहाँ पर ना
एन एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम है एन, कितने हैं? एन। छोटे से वॉल्यूम में कितना है? एन। तो मैंने कहा पूरे वॉल्यूम में कितना होगा, तो छोटे से वॉल्यूम को पूरे से मल्टीप्लाई कर दो। तो मैंने कहा कि टोटल इलेक्ट्रॉन इन वॉल्यूम ए एल, वॉल्यूम कैसे निकलता है? जब एरिया को लेंथ से मल्टीप्लाई करते तो क्या निकलता है? वॉल्यूम। तो टोटल वॉल्यूम देखो, अगर एक वॉल्यूम में है एन, तो दस वॉल्यूम में दस एन, बीस वॉल्यूम में बीस एन, तो ए एल वॉल्यूम में ए एल एन। अब आपको पता है चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है? चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है? देखो ऊपर वाला लाइन पढ़ो, चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू ई, आपने पढ़ के आए होंगे। चार्ज का फॉर्मूला ऐसा पढ़ा होगा प्लस माइनस एन ई, जहाँ एन क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ना, ठीक है। तो यहाँ पर हम वही कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हैं कि चार्ज का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू ई, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हमारे पास? ए एल एन, तो ए एल एन इनटू ई। अब आपको निकालना क्या था? करंट, क्या निकालना था? करंट। तो करंट होता क्या है भाई? करंट होता है आपका चार्ज अपॉन टाइम, चार्ज अपॉन, तो चार्ज आपने निकाला ये रहा, टाइम से डिवाइड किया, और डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है? वेलोसिटी। तो ए वी डी एन ई, ए वी डी एन ई, दिख रहा है आपको? ए वी डी एन ई आ गया। तो यही तो हमें ड्राइव करना था कि करंट का फॉर्मूला क्या होगा, करंट का फॉर्मूला होगा वी डी एन ई ए। तो हमने ड्राइव कर लिया। आप एग्जाम में कैसे लिखेंगे? एग्जाम में जो जो बातें हैं बोल रहा हूँ लेट करना, चलो मैंने लेट करवा ही दिया, इसके अंदर कुछ खास है नहीं लेट करवाने लायक, फिर भी आप अपने हिसाब से थोड़ा बोल देना कि लेंथ ए एल है, एरिया ए है, ठीक है। डायग्राम को अच्छा बना देना, माँ कसम चढ़ा देना, हो जाएगा काम। दोस्तों अब इस चैप्टर में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं इसको बोल सकता हूँ, क्योंकि ये एक क्वेश्चन नहीं है, ये आपके तीन क्वेश्चन है, इसको याद कर लो काम हो जाएगा। देखो लिखा है, मतलब समझाऊंगा मैं, याद करना नहीं पड़ेगा। प्रूफ ऑफ ओम्स लॉ या एक्सप्रेशन फॉर रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, ओम्स लॉ को प्रूफ करो या रेजिस्टेंस निकालो या रेजिस्टिविटी निकालो, तो यही सेम करके आना, तीन क्वेश्चन हो गए ये। देखो हम जानते हैं, पीछे हमने पढ़ा है कि जो करंट होता है वो होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी एन ई ए। ये डी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये वेलोसिटी कौन सा है? ड्रिफ्ट। अब आपको पता है कि भाई वी इजिकल टू आई आर होता है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, ये वी इजिकल टू आई आर ना, तो आई क्या होता है? आई वी बाई आर, तो यहाँ मैंने वी बाई आर पुट कर दिया। अब मेरी बात को समझना, छोटी छोटी बातें, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है ई कैपिटल ई बाई एम, ये होता है इलेक्ट्रॉन, ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये होता है मास। अब मैंने क्या किया, मेरे को छोटी सी बात पहले से याद थी, क्या याद थी कि अगर एक वायर हो जिसका लेंथ है एल और उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वोल्टेज मिलेगा। पता है आप लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस क्या होता है? वोल्टेज। तो मैंने कहा ये जो वोल्टेज है ना, वोल्टेज उसको मैं आई ई इंटू एल लिख दूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस। तो फायदा क्या होगा, यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड और बगल का इलेक्ट्रिक फील्ड कट जाएगा, उससे क्या फ़ायदा होगा? मुझे एक चीज़ मिलेगा, क्या मिलेगा मुझे? एक चीज़ एल वाई आर। अच्छा एल वाई आर मिलेगा, मैंने क्या किया इसको उल्टा किया, देयर फोर मैंने उल्टा किया आर बाई एल किया इसको, आर बाई एल, तो क्या हो जाएगा? एम ऊपर चला जाएगा, एम बाई एन स्क्वायर टाउ। अच्छा कई सारे बच्चों को ये दिक्कत होगी कि ई का स्क्वायर कैसे हो गया, भाई ई का स्क्वायर कैसे हुआ? देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को मैंने पुट किया, ये टाउ की जगह, ये पूरा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला है, ठीक है ना, फॉर्मूला है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। यहाँ पर ये एन है, ये ई है, ये ए है, तो देखो ई इंटू ई हो जाएगा ई स्क्वायर, बाकी सब सेम रहेगा। एन की वैल्यू, तो एन का मतलब तुम्हें पता होना चाहिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। अच्छा आप कहानी की शुरुआत करते हैं दोबारा, यहाँ तक पहुँच गए थे हम, उल्टा कर दिया था हमने, तो ऐसा बन गया था एम बाई एन स्क्वायर टाउ और यहाँ पर ए। अब क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, जो एल को ना, एल को हम उधर भेज सकते हैं। तो देखो एक देखा देखा सा चीज़ लग रहा है, क्या लग रहा है? देखो रेजिस्टेंस ये है, ये कुछ कांस्टेंट वैल्यू है और एल बाई ए, तो इसको बोलते हैं हम रेजिस्टिविटी। क्या बोलते हैं? तो हमने बोला कि यहाँ से रेजिस्टिविटी क्या होगा, तो इक्वेट कर लिया हमने, क्या इक्वेट किया बताओ, रेजिस्टिविटी किसके बराबर आ गया? देखो इक्वेट करो इस वाले से, तो एम बाई एन स्क्वायर टाउ को हम बोल रहे हैं रेजिस्टिविटी। क्या बोल रहे हैं? रेजिस्टिविटी। इस प्रकार से हमने रेजिस्टेंस को ड्राइव किया, रेजिस्टिविटी को ड्राइव किया, और हमने ये समझा कि कैसे ये ओम्स लॉ को प्रूफ कर रहा है, कौन सा फॉर्मूला? ये वाला फॉर्मूला। देखो इसी से ड्राइव हुआ है ना पूरा, तो ओम्स लॉ प्रूफ हो गया, बात समझ पा रहे हो? तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको समझा पाया। कुछ भी नहीं भाई, छोटी मोटी कैलकुलेशन तो आनी चाहिए, 12th क्लास के बच्चे हो। फटाफट आगे बढ़ते हैं अब। नाउ द नेक्स्ट आर्टिकल इज, जब हमारे पास एन सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, आइडेंटिकल सेल्स होंगे, आइडेंटिकल मतलब सेम सेल्स, होता क्या, सेल होता क्या, जैसे कि एक उसके पास ई एम एफ होगा और एक होगा इंटरनल रेजिस्टेंस, ई एम एफ इंटरनल रेजिस्टेंस, जैसे बहुत सारे लगे होंगे एन एन नंबर ऑफ सेल्स, ठीक है ना। तो ई एम एफ होता है ई, आर क्या होता है? इंटरनल रेजिस्टेंस। अब काम की बात सुनो, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट, व्हाट इज़ द कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट, जब हम बहुत सारे सेल्स को सीरीज में लगाते हैं तो करंट कब मैक्सिमम मिलेगा? तो ऐसा आ सकता है क्वेश्चन बना के, ठीक है ना, कि बहुत सारे सेल्स कनेक्टेड है, बताओ डेरिवेशन करके दिखाओ कि कब करंट मैक्सिमम होगा, तब भी यही डेरिवेशन करना है, और ऐसा बोल दे तब भी सेम डेरिवेशन करना है। करना कैसे, सुनो, आपको सेल्स को लेना है, ऐसे सीरीज में लगाना है, यहाँ से हमारा डेरिवेशन स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना, थ्योरी के बाद डेरिवेशन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। हमने बहुत सारे सेल्स को लिए, सीरीज में लगा दिया,
और लगाएंगे जब इस सेल को तो किसी चीज़ से तो लगाएंगे ना। मान लो हमने बल्ब से लगाया, किसी चीज़ से भी लगाया, तो ये बल्ब है या कुछ भी है, ये एक्सटर्नल लोड है। क्या ये एक्सटर्नल लोड? लोड मतलब वायरिंग होगी, वायरिंग मतलब रेजिस्टेंस होगा, तो इसको बोलते हैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल मतलब सेल्स को कनेक्ट किया, बैटरी बना, उस बैटरी को कहीं तो लगाओगे ना, तो कहीं लगा दिया हमने। अब हमें करंट निकालना है, करंट। तो करंट का फॉर्मूला क्या था? करंट का फॉर्मूला होता है कि भाई टोटल वोल्टेज बाई टोटल रेजिस्टेंस। तो पहले मैं टोटल वोल्टेज निकालता हूँ, तो ई, तो क्या हो जाएगा? ई प्लस ई, यानी एन टाइम्स। ठीक है, अब मुझे निकालना है टोटल करंट, टोटल रेजिस्टेंस का निकालना है। तो पहले मैं स्मॉल वालों को ऐड कर रहा हूँ, देखो स्मॉल वाले जितने थे, इंटरनल रेजिस्टेंस, तो हो जाएगा आर प्लस आर, कितना हो जाएगा? अब मैं बढ़ूंगा करंट की तरफ, तो करंट क्या कहता है? करंट कहता है भाई टोटल ईएमएफ, वो तो एन टाइम्स ही है। टोटल रेजिस्टेंस, वो कैपिटल आर में आपको एनआर भी जोड़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपने भाई स्मॉल आर को बना लिया आर प्लस आर, पर एक और भी तो था कैपिटल आर। टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? आर प्लस एनआर, मतलब इनका और इनका एडिशन। तो हमारा करंट क्या होता है? टोटल करंट बाई टोटल ईएमएफ बाई टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल वोल्टेज ऊपर है, यानी टोटल रेजिस्टेंस नीचे है। अब ध्यान रखना, यहाँ पर ये हमारा हो गया। अब छोटा सा टॉपिक है कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट। देखो मैक्सिमम करंट हमें कब मिला प्रैक्टिकली? जब इसको हमने बहुत हाई रखा। तो आर बहुत बड़ा होगा एनआर से, या ऐसे बोल सकते हैं अगली भाषा में कि जो लोड है या एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा बड़ा होना चाहिए एज कम्पेयर टू टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस। टोटल इंटरनल, स्मॉल आर क्या था? इंटरनल रेजिस्टेंस। टोटल से ज़्यादा होना चाहिए, तब करंट आपको मैक्सिमम मिलेगा। और इसका फॉर्मूला ये होता है, अब हम पढ़ेंगे सेल्स इन पैरल। अब ये वाला डेरिवेशन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा हुआ है कि भाई देखो, अब ना हम क्या कर रहे हैं, एन नंबर ऑफ सेल्स कनेक्टेड इन पैरल। पैरल में बहुत सारे सेल्स को हमने कनेक्ट किया। ठीक है, अब कहानी को समझना, तो मैं डायग्राम बहुत सिंपल सेटअप कर रहा हूँ। देखो ईएमएफ है, स्मॉल आर, इंटरनल रेजिस्टेंस है, पैरल में कनेक्टेड है। जब ये बैटरी बन जाएगी तो हमने लोड से लगाया। देखो यहाँ पर लोड, इसको हम बोल रहे हैं लोड। लोड यानी कुछ भी हो सकता है, लोड का मतलब होता है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो यहाँ तक तो हमारा डायग्राम का काम है खत्म। अब निकालना है हमें करंट। करंट क्या होता है? टोटल वोल्टेज बाई टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा भाई? एक तो लोड वाला रेजिस्टेंस प्लस जो स्मॉल आर है उन सबका एडिशन, मतलब नेट आर, नेट स्मॉल आर का नेट, इंटरनल रेजिस्टेंस का नेट। तो हमने बोला ठीक है भाई, इन पैरेलल ईएमएफ तो सेम रहेगा। देखो जब भी पैरेलल होता है वोल्टेज हमेशा सेम होता है, तो सबका ई रहेगा। तो आंसर क्या आ गया? ई। आंसर क्या आ गया? ई। यानी कि हमें जो ई नेट मिलने वाला है, ई नेट जो मिलने वाला है ई के बराबर ही मिलने वाला है, क्योंकि पैरेलल में 50 लगा लो, 100 लगा लो, सबका वोल्टेज क्या होता है? सेम। अच्छा, अब आर नेट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? आर नेट। तो 1/R नेट पैरेलल में लगाया, पैरेलल में 1/R नेट 1/R1 + 1/R + n/R। अब इसको उल्टा करोगे, सीधा करोगे ना, सीधा ऐसे पलटोगे तो R/n। तो तुम्हें देखो ई नेट मिल गया ई के बराबर। ठीक है, R तो R ही है, स्मॉल R नेट कितना मिल गया? R/n। तो मैंने यही इसको नीचे करंट निकाल दिया, यही डेरिवेशन आएगा, करंट आ गया। अब तुमसे पूछेगा, क्या पूछेगा तुमसे? कि मैक्सिमम करंट कब मिलेगा? देखो यहाँ पर मैंने कुछ नहीं किया, n को LCM लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ फिर ये ऊपर चला गया। अब इस मैक्सिमम करंट कब मिलेगा? अगर ये वाली संख्या जीरो हो जाए। ये कब जीरो होगा? जब R बहुत छोटा हो। तो R बहुत छोटा होगा तो ये जीरो हो जाएगा। तो देखो n टाइम्स E बाई स्मॉल R, तो हमें मिलेगा मैक्सिमम करंट। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आगे बढ़ते फिर फटाफट। ये कंडीशन ऐसे पूछेगा आपसे कि बताओ n सेल पैरेलल में लगा हुआ है, फाइंड द कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट। देखो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं मिक्स ग्रुपिंग ऑफ सेल। अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन आता है ना, तो यही वाला आएगा। अगर ऐसे सेल वेल का कनेक्शन आ गया तो यही वाला क्वेश्चन आएगा। सुन लो इसको ध्यान से, जितना खतरनाक ये दिख रहा है उतना है नहीं, ये बड़ा बच्चों का खेल है। सुनो, यहाँ पर लिखा है ऐसा आएगा मिक्स ग्रुपिंग ऑफ सेल, तो यही करना है। कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट इन मिक्स ग्रुपिंग, तब यही करना है। कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट करना कैसे है? देखो उसने बोला ना कि देखो यहाँ पर एन नंबर ऑफ सेल्स है, मतलब नंबर ऑफ सेल्स है एन, 10, 12, 50 जो मर्जी। एम क्या है? नंबर ऑफ रोज, यानी हमने ऐसे 10 कनेक्ट किया, फिर एक नीचे, यानी 10 नीचे भी 10, तो एक मिक्स ग्रुपिंग हो गया, सीरीज भी और पैरेलल भी। अब करना क्या, बड़ा आसान है, समझो। आप क्या कर सकते हो? देखो यहाँ पर लिखा है ई, ऐसे चलता रहेगा, यहाँ पर ई ऐसे चलता रहेगा, स्मॉल आर चलता रहेगा। अब समझो मेरी बात को, अब इसको सॉल्व करते हैं। चलो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं इसको। तो हमने बोला देखो भाई पहले सीरीज वाले को सॉल्व करो, तो सीरीज में कितने लगे हुए थे? ई, कितनी टाइम्स? एन टाइम्स, तो बन गया एन ई। क्या बन गया वो? और रेजिस्टेंस कितने थे? रेजिस्टेंस आर, कितने टाइम्स? एन टाइम्स, तो एन आर बन गया। वैसे अगर हम बात करें नीचे वाले लाइन में भी सेम होगा, एन ई एन आर, ठीक है।
अब हमारा क्वेश्चन बड़ा आसान हो गया। कैसे आसान हो गया? अब मैं जानता हूँ कि भाई देखो ये पैरेलल में किसमें है, तो पैरेलल में जो ई नेट आता है, ई नेट वो एक के बराबर ही होता है, तो एनी के बराबर हो गया। पैरेलल में सबका वोल्टेज क्या होता है? सेम। तो ई नेट तो एनी के बराबर हो गया। अब बात करते हैं आर नेट, किसकी बात करते हैं? तो हम लिखेंगे 1/r नेट। क्या लिखेंगे? 1/ जो हो गया 1/nr। तो कहाँ तक जाएगा? m टाइम्स तक। नीचे कितने थे? m थे ना, m रोज, तो हो गया m बाई, देखो 1/nr कितने टाइम्स तक थे? m तक, तो m/nr। अब इसको हमने पलटा, अगर इसको हम पलटेंगे तो हमें मिल जाएगा r नेट। क्या मिल जाएगा? nr/m। nr/, देखो बड़ा आसान था, सॉल्व करना था, e नेट निकालना था, फिर r नेट निकालना था, स्मॉल r नेट। अब मेरा कहानी क्या, मुझे करंट का फॉर्मूला पता है। करंट का फॉर्मूला क्या होता है कि e नेट लिखो जो कि एनी के बराबर आया। कैपिटल आर क्या होता है? लोड, आपको पता है। आर नेट क्या आया? ये रहा nr/m। तो इस प्रकार से क्या हो गया, इजीली हमारा क्वेश्चन आ गया। अब कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट हम देखेंगे फटाफट, इसे नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। अब इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट। तो ध्यान रखना, जब हमारा कैपिटल आर nr/m इसके बराबर जाए, इनको वैल्यू सॉल्व करें, कैपिटल आर के बराबर जाए, जो बाहर हमने लोड लगाया इसके बराबर हो जाएगा। एन की वैल्यू पुट करा, आर की वैल्यू पुट करा, एम की वैल्यू पुट करा और आंसर इक्वल हो जाए, तो हम बोलते हैं भाई मैक्सिमम करंट मिलेगा। ठीक है ना, ये आपको ड्राइव नहीं करना, डायरेक्टली लिख सकते हो, ये डिफरेंशिएशन के बाद आता है। ठीक है, याद कैसे रखोगे? याद कैसे रखोगे? कैपिटल आर इज इक्वल टू नरम स्मॉल आर एम, या फिर ऐसे याद रखो, देखो कैपिटल आर बाई स्मॉल आर, स्मॉल एन बाई कैपिटल एम। ठीक है ना, ऐसे याद रखो, आर के नीचे एम आएगा, क्यों? राम की तरह, राम। आर के नीचे क्या आएगा? एम। स्मॉल आर के नीचे बगल में क्या आएगा? एम। ठीक है, छोटी छोटी सी बातें जैसे मर्जी याद कर लेना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, फिर हम आगे बढ़ते हैं फटाफट। अगर मुझसे कोई पूछे कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, तो यही वाला। ठीक है ना, कोई मैं सो रहा हूँ सपने में, किसी ने बोला भाई सबसे इंपॉर्टेंट बता, मैं बोलूँगा यही वाला, इस चैप्टर से सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला है और मिक्स ग्रुपिंग वाला। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? डेरिवेशन फॉर बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज, या फिर क्वेश्चन आएगा व्हीट स्टोन ब्रिज का, कुछ भी आ जाए, समझ नहीं आ रहा क्या करना है, तो ये वाला डेरिवेशन कर देना है। बात समझ पा रहे हो ना? घुमाएगा तो घूम लो तुम, लेकिन करना यही है, क्योंकि कुछ और पढ़ा ही नहीं ना डेरिवेशन में। अब बात को समझते हैं कि भाई इसमें करना क्या होता है। इसमें हमें प्रूफ करना होता है कि अगर इफ़ नो करंट गोज इन जी, जो इसको बोलते हैं गैल्वेनोमीटर, क्या बोलते हैं? गैल्वेनो। अगर इसमें कोई करंट ना जाए तो हमेशा क्या होगा? पी बाई क्यू, इसका रेशियो इसके रेशियो के बराबर होगा, तो बोलेंगे बैलेंस है। क्या है? तराजू में बैलेंस कब बोलते? जब इधर इधर का बराबर हो। तो इसको प्रूफ कैसे करते? तो इसको प्रूफ करना, ये हमें प्रूफ करना है कि अगर आई जी जीरो हो जाए, आई जी क्या हो जाए? जीरो, तो पी बाई क्यू आर एस आर बाई एस के बराबर होगा। तो बड़ा आसान तरीका होता है इसका, किरचॉफ्स लॉ। अब यहीं पर मैं तुम्हें किरचॉफ्स लॉ भी सिखा रहा हूँ हाथों हाथी। अब किरचॉफ्स लॉ होता क्या, ये कहता है कि किसी भी एक लूप में, लूप मतलब एक क्लोज सर्किट में, ऐसे में किसी भी एक लूप में जाओगे ना, तो समीशन ऑफ वोल्टेज क्या होगा? जीरो। अच्छा, वोल्टेज होता क्या है? करंट इंटू रेजिस्टेंस का सम क्या होगा? जीरो। करंट इंटू रेजिस्टेंस का सम क्या होगा? जीरो। ध्यान से सुना नहीं है किसी को, चलो फटाफट, मैं चिल्लाने लग जाऊंगा फिर। समीशन ऑफ वोल्टेज इज जीरो इन अ लूप, इन अ लूप। तो मैं पहला लूप ले रहा हूँ, देखो प्रूफ करने के, पहला लूप ले रहा हूँ मैं MNLM। क्या ले रहा हूँ मैं? MNLM, ये लूप ले रहा हूँ, ट्रायंगल वाला। तो देखो मैं चल रहा हूँ, वोल्टेज लिखो, P पर वोल्टेज लिखो, P नाम का रेजिस्टेंस है। वोल्टेज क्या होगा? करंट इंटू रेजिस्टेंस, तो I माइनस I1 इंटू P। अब अगला रेजिस्टेंस, यहाँ पर वोल्टेज लिखो, वोल्टेज IG इंटू G। अरे करंट इंटू इसका रेजिस्टेंस। अगला क्या? अगला देखो, अगला है Q इंटू I, पर अपोजिट डायरेक्शन में। देखो हम चल कैसे रहे हैं? हम चल रहे हैं M से N, फिर L से M, हम ऐसे चल रहे हैं और वो ऐसे आ रहा है, तो अपोजिट हो गया, तो हम लिखेंगे वोल्टेज नेगेटिव का, तो माइनस Q इंटू I1 इक्वल टू जीरो। समीशन ऑफ वोल्टेज इन अ लूप, लूप कंप्लीट हो गया, इक्वल टू जीरो। अगला देखो, अगला समझते हैं, अगला इसको इक्वेशन वन मान लिया हमने। अगला क्या है हमारे पास? अगला है लूप NTLM। क्या है? NTLM। तो देखो पहले हम ऐसे चला, N से T, तो I1 IG का मल्टीप्लीकेशन R के साथ। ठीक है, अगली बार मैं ऐसे चल रहा हूँ, T से S, तो उल्टा हो गया ना, उल्टा एरो के उल्टा, तो माइनस का S इंटू I1 IG हो गया। अब यहाँ भी उल्टा चल रहा, देखो IG इस तरफ है, मैं ऐसे, तो IG इंटू G क्या हो जाएगा? IG इंटू G। आई होप कैमरे में दिख रहा हो, हाँ IG इंटू G क्या हो जाएगा यहाँ पर? IG इंटू G। अब ये हमारा इक्वेशन टू हो गया, हमने क्या मान लिया इसको? इक्वेशन टू मान लिया। अब तो कैलकुलेशन पार्ट है, देखो कैसे करना है। अब बोला क्या गया था कि करंट ना जाए, आईजी में करंट ना जाए, तो हमने बोला ठीक है, फॉर आईजी इक्वल टू जीरो। अगर आईजी जीरो करोगे, जीरो, तो देखो ये वाला टर्म पूरा जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, तो यहाँ से क्या निकलेगा? आई माइनस आई वन पी
माइनस क्यू आई वन इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से क्या निकलेगा, आई माइनस आई वन पी इज इक्वल टू क्यू आई वन, क्यू आई वन, तो क्यू आई वन हो जाएगा। वैसे सिमिलर सेंस में अगर इक्वेशन टू में, इक्वेशन टू कैसा बन जाएगा अगर आई जी जीरो हो जाए तो ऐसा बन जाएगा आर आई माइनस आई वन एस आई वन। अब आई जी को जीरो पुट कर दो, ये जीरो हो गया, ये वाला टर्म जीरो हो गया, ये वाला टर्म जीरो हो गया, तो पूरा ही खत्म हो गया। तो एस आई वन बचा और आर आई माइनस आई वन बचा, तो आर आई माइनस आई वन एस आई वन के इक्वल हो गया। अब दिन अब दोनों को डिवाइड करो, अगर तुम इन दोनों को डिवाइड करते हो, इक्वेशन थ्री को इक्वेशन फोर से डिवाइड करते हो, तो जादू होगा। क्या होगा जादू, देखो ये वाला दोनों टर्म दोनों में कॉमन है, कट जाएगा, कट गया तो बचा पी बाई आर, क्या बचा पी बाई आर, आई वन से आई वन कट जाएगा क्यू बाई एस, इसको रीअरेंज करेंगे तो क्या मिल जाएगा पी बाई क्यू इज इक्वल टू आर बाई एस, और यही हमें प्रूफ करना था, तो हमने प्रूफ कर दिया। क्या प्रूफ कर दिया, ये रहा पी बाई क्यू इक्वल टू आर बाई एस। तो यही है बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज की कंडीशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस प्रकार से हमने सारे डेरिवेशन इस चैप्टर खत्म कर लिए हैं, अब हम बढ़ेंगे आगे चैप्टर पे।